उससे फ़ोन पर बात करने वाली वही मुलाजमा थी जो सलार के साथ साथ उसके घर में भी काम करती रही थी और उसने अमामा की आवाज़ को फ़ौरन पहचान लिया था। अमामा के फ़ोन बंद करते ही वो कुछ इस्तराब और जोश व खरोश के आलम में सिकंदर उस्मान के पास पहुंच गई। ये एक इत्तेफाक ही था कि इस दिन तबीयत की ख़राबी की वजह से वो घर पर ही थे। अभी कुछ देर पहले एक लड़की का फ़ोन आया है, वो सलार साहब से बात करना चाहती थी। तो तुम बात करवा देती, सिकंदर उस्मान कदरे लापरवाही से बोले। ये इत्तेफाक ही था कि सालार भी इन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था और घर पर मौजूद था। मुलाजमा कुछ हिचकिचाई। साहब जी, वो इमामा बेबी थी। सिकंदर उस्मान के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा, वो यकदम हवास बाख्ता नज़र आने लगे। इमामा हाशिम, हाशिम की बेटी। मुलाजमा ने इस बात में सर हिला दिया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। तो क्या सलार हर एक को बेवकूफ़ बना रहा है? वो अभी तक इमामा के साथ रबते में है और वो जानता है वो कहाँ है, तो फिर यकीनन वो उससे मिलता भी रहा होगा, उसने भी इख्तियार सोचा। उसने तुम्हें खुद अपना नाम बताया, उन्होंने चाय का कप एक तरफ रखते हुए कहा। नहीं, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली और जब मैंने उनका नाम लिया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, मुलाजमा ने सिकंदर उस्मान को बताया। मगर मुझे यकीन है वो उन्हीं की आवाज़ थी, मुझे कम अज़ कम इस बारे में कोई धोखा नहीं हो सकता। इससे पहले कि सिकंदर उस्मान कुछ कहते, उन्होंने फ़ोन की घंटी सुनी, मगर इस बार वो ड्राइंग रूम में मौजूद एक्सटेंशन की तरफ बढ़ गए और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ मौजूद लड़की एक बार फिर सालार सिकंदर का पूछ रही थी। उनके इस्तफसार पर उसने ये तस्लीम कर लिया कि वो इमामा हाशिम ही थी। वो नहीं जानते थे क्यों, मगर बेख्तियार उनके दिल में आया कि वो उसे सालार के मरने की खबर दे दें ताकि वो दोबारा कभी उनके घर फ़ोन ना करें। उन्होंने उससे बात करके ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया था कि वो बहुत अरसे से सालार के साथ रब्ता नहीं कर सकी है और उसके पास उनके बयान की सदाकत को परखने का कोई ज़रिया नहीं था। वो दोबारा रब्ता ना करती तो उनकी जान उससे हमेशा के लिए छूट सकती थी। वो अभी तक उस एक साल को अपने जहन से नहीं निकाल सके थे जब इमामा की गुमशुदगी के फौरन बाद सालार पर शुबा होने की वजह से हाशिम मुबीन अहमद ने उनके लिए हर किस्म की परेशानी खड़ी की थी। बहुत से सरकारी दफातर जहां पहले उनकी फर्म की फाइल्स बहुत आसानी से निकल आई थी, महीनों फंसी रहती थी। उनके घर धमकी आमेज़ कॉल्स और खत आते रहे। कई लोगों ने बिलवास्ता तौर पर उन पर दबाव डाला कि वो हाशिम मुबीन अहमद की बेटी की वापसी के लिए उनकी मदद करें। एक लंबे अरसे तक सलार की निगरानी की गई और निगरानी का यह सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बाहर भी जारी रहा। मगर जब किसी तरह भी इमामा से उसके रबते का कोई सबूत या सुराग नहीं मिला तो रफ्ता रफ्ता ये तमाम सरगर्मियां ख़त्म हो गईं। सिकंदर उस्मान की बेपनाह कोशिश के बावजूद हाशिम मुबीन के साथ उनके ताल्लुकात बहाल नहीं हुए, मगर उनकी तरफ से अदम तहफ़ का अंदेशा ख़त्म हो गया था और अब 2.5 साल बाद वो लड़की एक बार फिर सालार से रबता करना चाहती थी। वो किसी सूरत भी दोबारा इन हालात का सामना ना खुद करना चाहते थे, ना ही सालार को करने देना चाहते थे। अगर वो ख़ुद हाशिम मुबीन अहमद की टक्कर के आदमी ना होते तो अब तक इससे ज़्यादा नुकसान उठा चुके होते, जितना नुकसान उन्होंने इस एक साल और ख़ास तौर पर शुरू के चंद माह में उठाया था। वो इमामा को इस तलाकनामे की एक कॉपी भिजवाना चाहते थे जो सालार की तरफ से उन्होंने तैयार किया था और उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वो जायज़ था या नहीं। वो सिर्फ इमामा को ये यकीन दिलाना चाहते थे कि सालार या उसके ख़ानदान के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए और ना होगा। अगर कुछ था भी तो वह सालार की मौत और उससे पहले के तहरीर शुदा इस तलाकनामे के साथ ही ख़त्म हो गया था, मगर ये एक और इत्तफाक था कि इमामा ने उनकी बात मुकम्मल तौर पर सुने बगैर फ़ोन बंद कर दिया। उन्होंने फ़ोन को ट्रेस आउट कराने की कोशिश की मगर वो मुल्तान के एक पीसीओ का साबित हुआ।
सरार एक हफ्ते बाद वापस अमेरिका जाने वाला था और उन्होंने इस एक हफ्ता उसकी मुकम्मल तौर पर निगरानी करवाई। वो मुलाजमों को हदायत दे चुके थे कि किसी का भी फ़ोन आए वो किसी भी सूरत सालार से बात ना करवाएं, चाहे फ़ोन किसी मर्द का हो या औरत का, जब तक वो ख़ुद ये ना जान लें कि फ़ोन करने वाला कौन था। मुलाजमा को भी वो सख्ती से मना कर चुके थे कि वो सालार को इमामा की इस कॉल के बारे में ना बताएं। एक हफ्ते के बाद जब सालार वापस अमेरिका चला गया तो उन्होंने सुख का सांस लिया। सर पर आई हुई एक आफत एक बार फिर टल गई थी। सालार की वापसी के चंद हफ्ते बाद उन्हें एक लिफाफा मौसूल हुआ था। इमामा ने लाहौर पहुंचने के बाद वो मोबाइल बेच दिया था, वो उसे वापस नहीं भिजवा सकती थी और सालार की वफ़ात के बाद अब ये इम्कान नहीं था कि कभी उसके साथ आमना सामना होने की सूरत में वो उसे मोबाइल वापस दे सकेगी। उसने मोबाइल बेचने से मिलने वाली रकम के साथ अपने पास मौजूद कुछ और रकम शामिल की। वो अंदाजन इन कॉल्स के बिल्स की रकम थी जो 2.5-3 साल पहले सालार ने अदा किए होंगे और चंद दूसरे अखराजात जो अपने घर कैद के दौरान और वहाँ से फरार लाहौर फरार के दौरान सालार ने उन पर किए थे। उसके साथ सिकंदर उस्मान के नाम एक मुख्तसर नोट भिजवाया। ट्रेवलर चेक्स उसके सर पर मौजूद इस आदमी का कर्ज भी उतर गया था। इस रकम और उसके साथ मिलने वाले नोट से सिकंदर उस्मान को तसल्ली हो गई थी कि वो दोबारा उससे रब्ता नहीं करेगी और ये भी कि उसने वाकई उनकी बात पर यकीन कर लिया था। मुल्तान से BSc करने के बाद वो लाहौर चली आई थी। उसे घर छोड़े 3 साल होने वाले थे और उसका ख्याल था कि अब कम अज़ कम उसे तलाश नहीं किया जाएगा जिस तरह पहले किया जाता रहा था। अगर किया भी गया तो सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस पर नज़र रखी जाएगी। उसका ये अंदाज़ा सही साबित हुआ था। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में MSc के लिए एडमिशन ले लिया था। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी वो बेहद मोहतात थी। ये लाहौर था, यहाँ किसी वक्त कोई भी उसे पहचान सकता था। मुल्तान में वो सिर्फ चादर ओढ़कर कॉलेज जाती थी। लाहौर में उसने नकाब लगाना शुरू कर दिया। लाहौर में दोबारा वापसी के बाद वो डॉक्टर सबते अली के साथ नहीं रही थी, वो सईदा अम्मा के पास रहने लगी थी। सईदा अम्मा से उसकी पहली मुलाकात डॉक्टर सबते अली ने मुल्तान जाने से पहले लाहौर में करवाई थी। सईदा अम्मा के बहुत से अजीज़ व अकारिब मुल्तान में रहते थे। डॉक्टर सबते अली इमामा को उनसे आगाह करना चाहते थे ताकि मुल्तान में क़याम के दौरान किसी भी ज़रूरत या एमरजेंसी में वो उनकी मदद ले सके। सईदा अम्मा एक 65-70 साल बेहद बातूनी और एक्टिव औरत थी। वो लाहौर के अंदरून शहर में एक पुरानी हवेली में तन्हा रहती थी। उनके शोहर का इंतकाल हो चुका था जबकि 2 बेटे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के बाद वहीं मकीम थे। वो दोनों शादीशुदा थे और उनके बेहद इसरार के बावजूद सईदा अम्मा बाहर जाने पर तैयार नहीं थीं। उनके दोनों बेटे बारी बारी हर साल पाकिस्तान आया करते और कुछ अरसा क़याम के बाद वापस चले जाते थे। डॉक्टर सबते अली से उनकी कराबतदारी थी, वो उनके कज़न होते थे। डॉक्टर सबते अली ने इमामा के बारे में पहले ही सईदा अम्मा को बता दिया था, इसलिए जब वो उनके साथ उनके घर पहुंची तो वह बड़ी गर्मजोशी से उनसे मिली थी। उन्होंने मुल्तान में मौजूद तकरीबन अपने हर रिश्तेदार के बारे में तफसीलात उसके गोश गुजार कर दी थी और फिर शायद इन सब को नाकाफ़ी जानते हुए उन्होंने ख़ुद साथ चलकर उसे हॉस्टल छोड़ने की ऑफ़र की, जिससे डॉक्टर सबते अली ने नरमी से रद्द कर दिया था। नहीं आपा, आपको जहमत होगी। उनके बेहद इसरार के बावजूद वो नहीं माने थे। बेहतर तो यह है भाई साहब कि आप उसे मेरे भाइयों में से किसी के घर ठहरा दें, बच्ची को घर जैसा आराम और माहौल मिलेगा। उन्हें अचानक हॉस्टल पर एतराज़ होने लगा और फिर उन्होंने हॉस्टल की ज़िंदगी के कई मसाइल के बारे में रोशनी डाली थी, मगर वो डॉक्टर सबते अली और ख़ुद वो भी किसी के घर रहना नहीं चाहती थी। हॉस्टल बेहतरीन ऑप्शन था।
سعیدہ اممہ سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، وہاں اس طرح اچانک اس سے ملنے کون آ سکتا تھا اور وہ بھی ایک خاتون، مگر سعیدہ اممہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً دو ہفتے ملتان میں رہی تھیں اور ان دو ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئیں۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئیں۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا، وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس طرح اس کی طرح وہ بھی تنہا تھیں، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی لاہور واپس شفٹ ہونے سے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم ایس سی لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر سبتے علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک گئے ہوئے تھے، وہ ڈاکٹر سبتے علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر سبتے علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر سبتے علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے، لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار کر رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات بنوانا آسان ہوتا۔ سعیدہ اممہ کا گھر اسے اپنی رہائش کے لیے بہت مناسب لگا تھا۔ وہ جاب شروع کرنے پر انہیں مجبور کر کے کرائے کی مد میں کچھ نہ کچھ لینے پر مجبور کر سکتی تھی، مگر ڈاکٹر سبتے علی شاید یہ سب کبھی گوارا نہ کرتے۔ ڈاکٹر سبتے علی کے لیے اس کا فیصلہ ایک شوق کی طرح تھا۔ کیوں امنا، میرے گھر پر کیوں نہیں رہ سکتی آپ؟ انہوں نے بہت ناراضی سے اس سے کہا۔ سعیدہ آپا کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اصرار کر رہی ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا۔ نہیں، میں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ان کے ساتھ رہوں گی تو ان کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ ان کے پاس جب چاہیں جا سکتی ہیں، مگر ساتھ رہنے کے لیے نہیں۔ پلیز آپ مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دیں، میں وہاں زیادہ خوش رہوں گی۔ میں اب آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سبتے علی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں آپ پر بہت لمبے عرصے تک بوجھ نہیں بننا چاہتی، پہلے ہی بہت سال سے آپ پر انحصار کر رہی ہوں، مگر ساری زندگی تو میں آپ پر بوجھ بن کر نہیں گزار سکتی۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی، اسے لگا اس کے آخری جملے نے ڈاکٹر سبتے علی کو تکلیف دی تھی۔ اسے پچھتاوا ہوا، میں نے کبھی بھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا آمنا، کبھی بھی نہیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی اور میرے لیے آپ ایک بیٹی کی طرح ہیں۔ پھر یہ بات، مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ میں جانتی ہوں ابو، مگر میں صرف اپنی فیلنگز کی بات کر رہی ہوں، دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے۔ میں سعیدہ اممہ کے ساتھ رہ کر زیادہ پرسکون رہوں گی، میں انہیں پے کروں گی، آپ کو میں کبھی پے کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکوں گی۔ شاید مجھے 10 زندگیاں بھی ملیں تو میں آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں اتار سکتی، مگر اب بس، اب اور نہیں۔ میں نے زندگی کو گزارنے کے سارے طریقے بھی سیکھنے ہیں، مجھے سیکھنے دیں۔ ڈاکٹر سبتے علی نے اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر میں رہنے پر مجبور نہیں کیا تھا، وہ اس کے لیے بھی ان کی
एहसान मंद थी। सईदा अम्मा के साथ रहने का तजर्बा उसके लिए हॉस्टल में या डॉक्टर सप्ते अली के यहाँ रहने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे उनके पास एक अजीब सी आज़ादी और ख़ुशी का एहसास हुआ था। वो बिल्कुल अकेले रहती थी, सिर्फ़ एक मुलाजमा थी जो दिन के वक्त घर के काम कर दिया करती थी और शाम को वापस चली जाया करती थी। वो बेहद सोशल लाइफ गुजारती थी, मोहल्ले में उनका बहुत आना जाना था, और ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी, और उनके घर भी अक्सर कोई ना कोई आता रहता था। उन्होंने मोहल्ले में हर एक से इमामा का तारुफ़ अपनी भांजी के तौर पर करवाया था, और चंद सालों के बाद ये तारुफ़ भांजी से बेटी में तब्दील हो गया था। अगरचे मोहल्ले वाले पिछले तारुफ़ से वाकिफ़ थे, मगर अब किसी नए मिलने वाले से जब वो इमामों को बेटी की हैसियत से मुतारफ़ करवाती तो वो किसी को तजस्सुस नहीं होता था। लोग सईदा अम्मा की अदात से वाकिफ़ थे कि वो कितना मोहब्बत भरा दिल रखती थी। उनके बेटे भी इमामा से वाकिफ़ थे, बल्कि वो बाकायदगी से फ़ोन पर सईदा अम्मा से बात करते हुए उसका हाल अहवाल भी दरास करते रहते थे। उनकी बीवी और बच्चे भी उससे बातचीत करते रहते थे। उनके बेटे हर साल पाकिस्तान आया करते थे, और उनके क़याम के दौरान भी इमामा को कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो उनकी फ़ैमिली का हिस्सा नहीं थी। बाज़ दफ़ा उसे यूं लगता जैसे वो वाकई सईदा अम्मा की बेटी और उनके बेटों की बहन थी। उन दोनों के बच्चे उसे पप्पो कहा करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc करवाने के बाद उसने डॉक्टर सप्ते अली के तवसुत से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। उसकी जॉब बहुत अच्छी थी और पहली बार उसने माली तौर पर ख़ुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। ये वैसी ज़िंदगी नहीं थी जैसे वो अपने वालदैन के घर गुजारती थी, ना ही वैसी थी जैसी ज़िंदगी उसके जैसी ज़िंदगी के वो ख्वाब देखा करती थी, मगर ये वैसी भी नहीं थी जिन खदशात का वो घर से निकलते वक्त शिकार थी। वो हर एक के बारे में नहीं कह सकती, मगर उसके लिए ज़िंदगी मौजज़ात का दूसरा नाम थी। सालार सिकंदर जैसे लड़के से इस तरह की मदद, डॉक्टर सप्ते अली तक रसाई, सईदा अम्मा जैसे ख़ानदान से मिलना, तालीम का मुकम्मल करना, और फिर वो जॉब, सिर्फ जलाल अंसर था जिसका ख़याल हमेशा उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर देता था, और शायद उसे मिल जाता तो वो ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती। 8 सालों ने उसकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां पैदा कर दी थीं। घर से निकलते वक्त वो जानती थी कि अब दुनिया में उसके नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। उसे किसी से कोई तवक्कोआत वाबस्ता करनी थी और ना ही उनके पूरा होने पर तकलीफ़ महसूस करनी थी। उसका रोना धोना भी वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा था। 20 साल की उम्र में छोटी छोटी बातों पर खौफजदा और परेशान होने वाली इमामा हाशिम आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खोती गई थी। नई नमूदार होने वाली इमामा ज़्यादा पुरातमाद और मज़बूत आसाब रखती थी, मगर उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मोहतात भी हो गई थी। हर चीज़ के बारे में अपनी गुफ्तगू के बारे में, अपने तौर अतवार के बारे में। डॉक्टर सप्ते अली और सईदा अम्मा दोनों के ख़ानदानों ने उसे बहुत मोहब्बत और अपनाइत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा कोशिश करती थी कि वो कोई ऐसी बात या हरकत ना करे जो उन्हें काबिल एतराज़ लगे या नागवार लगे। हाशिमा मुबीन के घर में उसे ये सारी एहतियातें नहीं करनी पड़ती थीं, मगर वहाँ से निकल कर उसे ये सब कुछ सीखना पड़ा था। सईदा अम्मा की गुमशुदगी के दौरान वो ऑफिस में थी। 4 बजे के करीब वो जब वो घर आई तो घर को ताला लगा हुआ था। उसके पास इस ताले की दूसरी चाबी थी, क्योंकि इससे पहले भी सईदा अम्मा कई बार इधर उधर चली जाती थी। उसे तशवीश नहीं हुई, लेकिन जब मगरिब की अज़ान होने लगी तो वो पहली बार फ़िक्रमंद हुई, क्योंकि वो शाम को बताए बगैर कभी यूँ गायब नहीं होती थी। साथ वालों के यहाँ पता करने पर उसे पता चला कि उनका बेटा उन्हें बिलाल के घर सुबह छोड़ आया था। सईदा अम्मा पहले भी अक्सर वहाँ आती जाती रहती थी, इसलिए इमामा उन लोगों को अच्छी तरह जानती थी। इसने वहाँ फ़ोन किया तो उसे पता चला कि वह दोपहर को वहाँ से जा चुकी थी, और तब पहली बार उसे सही मानों में तशवीश होने लगी। उसने बारी बारी हर एक
उसने बारी बारी हर उस जगह पता किया जहां वो जा सकती थी, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। और तब उसने डॉक्टर सबते अली को इतला दी। उसकी हालत तब तक बेहद ख़राब हो चुकी थी। सईदा अम्मा का मेल जोल अपने मोहल्ले तक ही था। वह अंदरूनी शहर के अलावा किसी जगह को अच्छी तरह नहीं जानती थी। उन्हें किसी दूसरी जगह जाना होता तो वह हमसायों के किसी लड़के के साथ जाती या फिर इमामा के साथ, और यही बात इमामा को तशवीश में मुब्तला कर रही थी। दूसरी तरफ सालार अंदरूनी सिंध के सिवा शहर के तमाम पोश इलाकों से वाकिफ़ था। अगर उसे अंदरूनी शहर के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात भी होती तब भी वह सईदा अम्मा के अधूरे पते के बावजूद किसी ना किसी तरह उनके घर पहुंच जाता। डॉक्टर सबते अली ने रात गए उसे सईदा अम्मा की खैरियत से अपने किसी जानने वाले के पास होने की इतला दी और इमामा की जान में जान आई। मज़ीद एक घंटे बाद वह दरवाज़े की बेल बजी थी और उसने तकरीबन भागते हुए जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे की ओर से उसने सईदा अम्मा के पीछे खड़े एक खुश शक्ल आदमी को देखा, जिसने दरवाज़ा खोलने पर उसे सलाम किया और फिर सईदा अम्मा को खुदा हाफिज़ कहते हुए मुड़ गया और इस दूसरे दराज का मत शख्स के पीछे चलने लगा जिसकी इमामा की तरफ पुश्त थी। इमामा ने इस पर गौर नहीं किया, वो तो बेख्तियार सईदा अम्मा से लिपट गई थी। सईदा अम्मा अगले कई दिन उसके सामने उन दोनों का नाम लेती रहीं, सालार और फुरकान। इमामा को फिर भी शुबा नहीं हुआ कि वो सालार सिकंदर भी हो सकता था। मुर्दा लोग ज़िंदा नहीं हो सकते थे, और उसे अगर इसकी मौत का यकीन ना भी होता तब भी सालार सिकंदर जैसा शख्स ना तो डॉक्टर सबते अली का शनासा हो सकता था और ना ही उसमें इस तरह की अच्छाइयाँ हो सकती थी जिन अच्छाइयों का जिक्र सईदा अम्मा वक्तन फवक्तन करती रहती थी। उसके कुछ अरसे बाद उसने जिस शख्स को उस रात सईदा अम्मा के साथ सीढ़ियों पर खड़े देखा था, उस शख्स से उसकी पहली मुलाकात हुई। फुरकान अपनी बीवी के साथ उनके यहाँ आया था। उसे वो और उसकी बीवी दोनों अच्छे लगे थे। फिर वो चंद एक बार और उनके घर आए थे और उनके साथ उनकी शनासाई में इजाफा हो गया था। उसे जाब करते तब 2 साल हो चुके थे। कभी वो कुछ वक्त शायद और इसी तरह गुजर जाता अगर वो इत्तफाकन एक रोज़ उसे अगर वो इत्तफाकन एक रोज़ उस सड़क से ना गुज़रती जहां जलाल की बनाई हुई हॉस्पिटल के बाहर उसका नाम आवीज़ा था। जलाल अंसर का नाम उसके कदम रोक देने के लिए काफ़ी था, मगर कुछ देर तक हॉस्पिटल के बाहर उसका नाम देखते रहने के बाद उसने तय किया था कि वो दोबारा इस सड़क पर कभी नहीं आएगी। जलाल शादी कर चुका था। ये वो घर छोड़ते वक्त ही सालार से जान चुकी थी और वो दोबारा उसकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहती थी, मगर उसका ये फ़ैसला देर पा साबित नहीं हुआ। 2 हफ्ते के बाद फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑफिस में ही उसकी मुलाकात राबिया से हुई। राबिया वहाँ किसी काम से आई थी। चंद लम्हों के लिए तो उसे अपने सामने देख कर उसकी समझ में ही नहीं आया कि वो किस तरह उस रद्द अमल ज़ाहिर करे। ये मुश्किल राबिया ने आसान कर दी। बहुत से बड़ी गर्मजोशी से मिली। तुम यकदम कहाँ गायब हो गई थी? कॉलेज और हॉस्टल में तो एक लंबा अरसा तूफान मचा रहा, राबिया ने छूटते ही उससे पूछा। इमामा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस मैं घर से ही चली गई थी। क्यों गई थी तुम तो जानती ही होगी, इमामा ने मुख्तसरन कहा। हाँ, मुझे कुछ अंदाज़ा तो था, मगर मैं किसी से ज़िक्र नहीं किया। वैसे हम लोगों की बड़ी कम बख्ती आई, मेरी जुवेरिया जैनब सबकी, पुलिस तक ने हमसे पूछताछ की। हमें तो कुछ पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में, मगर हॉस्टल और कॉलेज में बहुत सारी बातें फैल गई थीं तुम्हारे बारे में, राबिया उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठे मुसलसल बोली जा रही थी। तुम अकेली ही गई थी? उसने बात करते करते अचानक पूछा। हाँ, इमामा इंटरकॉम पर चाय का कहते हुए बोली। मगर गई कहाँ थी? कहीं भी नहीं, यहीं लाहौर में थी। तुम बताओ तुम क्या कर रही हो आजकल, और जवेरिया बाकी सब? इमामा ने बात बदलते हुए कहा। मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ लाहौर में, जवेरिया इस्लामाबाद में होती है। शादी हो गई है उसकी एक डॉक्टर से, मेरी भी फारूक से हुई है, तुम्हें तो याद होगा, क्लास फेलो था मेरा। इमामा मुस्कराई और जैनब, उसका दिल बेख्तियार धड़का था। हाँ, जैनब आजकल इंग्लैंड में होती है,
रेजिडेंसी कर रही है वहाँ अपने शोहर के साथ। उसके भाई के हॉस्पिटल में ही फारूक प्रैक्टिस करते हैं। इमामा ने बेख्तियार उसे देखा। जलाल अंसर के हॉस्पिटल में? हाँ, उसी के हॉस्पिटल में। वो स्पेशलाइजेशन करके आया है कुछ अर्सा पहले, लेकिन बेचारे के साथ बड़ी ट्रेजडी हुई है। चंद माह पहले तलाक हो गई है। हालांकि इतना अच्छा बंदा है, मगर इमामा उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा सकी। तलाक क्यों? पता नहीं, फारूक ने पूछा था उससे, कह रहा था अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बीवी भी बड़ी अच्छी थी उसकी, डॉक्टर है वो भी, लेकिन पता नहीं क्यों तलाक हो गई। हम लोगों का तो खासा आना जाना था उनके घर में, हमें कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि ऐसा कोई मसला है दोनों के दरमियान। एक बेटा है 3 साल का, वो जलाल के पास ही है। उसकी बीवी वापस अमेरिका चली गई है। राबिया लापरवाही से तमाम तफसीलात बता रही थी। तुम अपने बारे में बताओ, ये तो मैं जान गई हूँ कि यहाँ जॉब कर रही हो, मगर स्टडीज़ तो तुमने मुकम्मल नहीं की। MSc किया है केमिस्ट्री में। और शादी वगैरह? वो अभी नहीं की। पेरेंट्स के साथ तुम्हारा झगड़ा ख़त्म हुआ या नहीं? इमामा ने हैरत से उसको देखा। नहीं, फिर उसने मध्यम आवाज़ में कहा। वो कुछ देर उनके पास बैठी रही, फिर चली गई। इमामा बाकी का सारा वक्त ऑफिस में डिस्टर्ब रही। उसने जलाल अंसर को कभी बुलाया नहीं था, वो उसे बुला नहीं सकती थी। उसने सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी से उसको अलग कर दिया था। मगर वहाँ बैठे हुए उस दिन उसे एहसास हुआ कि ये भी एक खुशगुमानी या खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं था। वो जलाल अंसर को अपनी ज़िंदगी से अलग भी नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ़ उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर उसे किसी परेशानी से दोचार करना चाहती थी, और ना ही उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती थी। लेकिन ये जानने के बाद कि उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी पहले ही नाकाम हो चुकी है, वो एक बार फिर अकेला था। उसे याद आया 8 साल पहले वो किस तरह इस शख्स के हुसूल के लिए बच्चों की तरह मचलती रही थी। वो उसे हासिल नहीं कर सकी थी। तब बहुत सारी दीवारें, बहुत सी रुकावटें थीं जिन्हें वो पार कर सकती थी, ना जलाल अंसर कर सकता था। मगर अब बहुत वक्त गुजर गया था। इन रुकावटों में से अब कुछ भी उनके दरमियान नहीं था। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो एक शादी कर चुका था या इसका एक बेटा भी था। मुझे उसके पास एक बार फिर जाना चाहिए, शायद वो अब भी मेरे बारे में सोचता हो, शायद उसे अब अपनी गलती का एहसास हो, इमामा ने सोचा। उसने आखिरी बार फ़ोन पर बात करते हुए उससे जो कुछ कहा था, इमामा उसके लिए उसको माफ़ कर चुकी थी। जलाल की जगह जो भी होता वो यही कहता। सिर्फ़ एक लड़की के लिए तो कोई भी इतने रिस्क नहीं लेता, और फिर उसका करियर भी था जिसे वो बनाना चाहता था। उसके पेरेंट्स की इससे कुछ उम्मीदें थीं जिन्हें वो ख़त्म नहीं कर सकता था। मेरी तरह वो भी मजबूर था। बहुत साल पहले कहे गए उसके जुमलों की बाज़गश्त ने अभी उसको दिल बर्दाश्ता या अपने फ़ैसले पर दोबारा गौर करने पर मजबूर नहीं किया था। मुझे उसके पास जाना चाहिए। हो सकता है ये मौका मुझे अल्लाह ताला ने ही दिया हो। हो सकता है अल्लाह ने मेरी दुआओं को अब कबूल कर लिया हो। हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया हो, वो बार बार सोच रही थी। वरना इस तरह अचानक राबिया मेरे सामने क्यों आ जाती? मुझे क्यों ये पता चलता कि उसकी बीवी से अलादगी हो चुकी है? हो सकता है अब मैं उसके सामने जाऊँ तो वो फैसला कर चुकी थी। वो जलाल अंसर के पास दोबारा जाना चाहती थी। नाज़रीन, इसके साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। आने वाली अक्सात को बरवक्त देखने के लिए चैनल जहाँ ने खुदी को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाज़िर होते हैं अगली किस्त के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।